गाइस मेरा रिजल्ट आ गया, अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है और अभी बस मैं अपना रिजल्ट चेकआउट करने जाऊंगी। गाइस मेरा रिजल्ट आ गया है एंड सब बच्चे कह रहे हैं कि आ गया आ गया आ गया। रिजल्ट का नाम क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द होने लग गया ना, पहले मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही रिजल्ट की, बट अब मेरा इतना हेडेक हो रहा है। गाइस अगर ना मेरा रिजल्ट क्यों नहीं खुल रहा है, साल में कोई एक बार आके इनकी साइट खुलता होगा, उसमें भी ये लोग ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। एरर एरर एरर, इनको ना अच्छे से साइट्स बिल्डअप करनी चाहिए। CBSE वालों को ज़्यादा तकलीफ है, इनके बच्चे ऐसे ओवरलोड हो रखे हैं, इनको ना 3-4 साइड्स बनानी चाहिए और बच्चों को डिवाइड कर देना चाहिए कि तुमने इसमें जाना है तुमने इसमें जाना है, सारे एक ही में घुसे हैं तो ऑब्वियसली क्लैश ही होगी। आ तो गया रिजल्ट, अब तेरे को अभी भी हंसी आ रही है, मतलब लिटरली बिजी आएगा उसका फ़ोन पक्का, क्योंकि इसका रिजल्ट आ गया, पूरी क्लास अभी उसी को फ़ोन कर रही होगी, उसे ग्रुप में भेज दिया था ना, दूजी कॉलते व्यस्त है। हेलो, हाँ तेरा रिजल्ट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, निकाली परसेंटेज कितनी बन रही है? मम्मी कोई नहीं, आप रेस्ट करो, जब आ जाओगे ना मैं बता दूँगी। गाइस मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, आधे बच्चों का आ गया आधों का नहीं आया, कल तक मैं बिल्कुल ऐसे थी चिल मोड में, और आज मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा ना, मैं कुछ और किसी चीज़ में मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, हेडेक होने लग गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को ना, क्या बोले, महान हो तुम लोग, मुझे खोलना भी चाहिए रिजल्ट या रैली तो। मैंने इसमें ये कहाँ से आया, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, ये गाइस यार मेरे मार्क्स भी दिख जाएंगे इसमें, मैथमेटिक्स, साइंस, टोटल मार्क्स, रिजल्ट ऐसे कैसे आ गया, टोटल मार्क्स 43% निकालते हैं। तो
गाइस मेरे रिजल्ट आ गए, एक मैसेज आया उसमें मेरे सारे मार्क्स वगैरह लिखे हैं। रुक जा पहले परसेंटेज निकालने दे मुझे। जैसे मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 92 आउट ऑफ 100, हिंदी कोर्स ये 97, मैथमेटिक्स नहीं बताऊंगी, साइंस 75, सोशल साइंस 95, कंप्यूटर 93, पंजाबी 90, टोटल मार्क्स 423। कैलकुलेट करती हूँ, आई कैलकुलेटर है इसमें 423 नंबर है टोटल। ये भी यार मुझे किसी मैसेज में आया दे, और सब टोटल तो 700 बन रहे हैं। पता नहीं यार, ये देखिए रिजल्ट मुझे ऐसे मैसेज में आया, मैं क्या सुनान लूँ ये सोचा। तो तूने अपना कहाँ चेक क्यों नहीं किया? चेक कर रही हूँ, तब से फिर जब से ये है तो मेरा ये दिमाग खराब है। 80% तो ऊपर नंबर है ना ज्यादा। CBSE.in में CBSE दी। CBSE.NIC। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं अब जो अगर भेजा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो मेरी परसेंटेज काफ़ी कम बन रही है। मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पास एडमिट कार्ड भी नहीं, एडमिट कार्ड की आईडी थी। मैं जब सर्च करी थी ना तो मेरे आ रहे थे 84%, पता नहीं कैसे, पर वो मेरे को ना एक रैंडम से मतलब कि उससे एक SMS आया था जिसमें मेरे सारे नंबर लिखे हुए थे, और उसमें ना मतलब मेरे नंबर में परसेंटेज बहुत कम बन रही थी, 80 की लाइन में कुछ बन रही थी। उसके बाद फिर मैं इतनी ज़्यादा सैड हो गई कि मैं रोने लग गई, आप देख सकते हो मेरी शक्ल भी, थोड़ी थोड़ी आंखें भी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे पास मेरा एडमिट कार्ड आईडी नहीं है, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पे नहीं, मेरा एडमिट कार्ड जहाँ पे मैं रहती हूँ, और अभी मैं हूँ अपने होम टाउन में, तो इस वजह से मैम एडमिट कार्ड आईडी मेरे पास नहीं थी, तो मैं वो फिल नहीं कर पाई, तो इस वजह से मेरे को पता ही नहीं चल रहा था मेरा रिजल्ट है क्या। और मतलब इतना तो मेरे को था कि 85 से कम तो नहीं आएंगे, और उसमें इतना कम शो कर रहा था। फिर उसके बाद मैं हमारी मैम ने टॉपर्स की लिस्ट भेजी, तो थैंक गॉड उसमें मेरे नंबर आ गए, तो मेरी परसेंटेज आई है 90.4%। पर वो जो एक होता है ना कि अगर मेरे को फर्स्ट टाइम ही पता चल जाता है कि 90.4% है तो मेरे को ज़्यादा खुशी होती। हाँ अभी मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि 90.4% है, बस मैं यही चाहती थी कि 90 टच जाए, मतलब हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी को चल के बताते हैं, मम्मी मेरा 90.4% है। आपको मम्मी को पता था, पर मैंने रिकॉर्ड करने के लिए तो बोलना ही था ना। एकदम मेरी आंखें बिल्कुल रेड हो गई हैं, पहले गाइस मुझे लग रहा था सो हैप्पी, बट पता नहीं क्यों ये जो मैं पहले रोई थी ना, इस वजह से खुशी आपको दिख नहीं रही है, पर खुश हूँ मैं भाई। मेरे को तो समझ नहीं आती इसमें रोने वाली क्या बात है, कि मतलब आप इसलिए रो रहे हो कि मैं 90 क्यों आए, कम क्यों नहीं आए, कम लेने थे मेरे भी यार, मतलब इतने ही आए थे, कम ज़्यादा कर लो थोड़े, है ना। तो मैं तो बहुत खुश हुई थी, उल्टा मैं तो ये कह रही थी कि मैंने तो मेहनत ही नहीं की, मेरे तो अच्छे आ गए और अच्छे आ गए, लेकिन ये पता नहीं क्यों तब से रोई जा रही है। बोलते ना इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के। ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं इसलिए तो नहीं, पहले मेरी 80 की लाइन में मेरी मम्मी कह रही थी, मेरी मम्मी कह रही थी बेटा मेरे तो 6 की लाइन में आए थे, फिर भी मैं खुश थी कि मैं तो पास हो गई, मैं तो पास हो गई, और ये रो रही है। तो अभी मेरी आईज ऐसी रेड हो गई है, तो मैं खुश हूँ अभी, मन से खुश हूँ मैं। इतने में ढाई बच्चे तो पास हो जाते हैं, ढाई हो जाते हैं। तो जब मैं रिजल्ट निकाली थी ना दीदी, तो मुझे ना परसेंटेज निकालने आ रही थी उसमें ना, दैट्स व्हाई तेरे मैथ्स में इतने कम आए। मुझे पता है, पता क्या उसमें 7 सब्जेक्ट दे रखे थे, फिर उसको 700 से डिवाइड करी थी। मैं तो इसको बोल रही हूँ कि वो तो शुक्र मना कि जिन सब्जेक्ट्स में मैथ और साइंस में इसके कम आए थे, बाकी सब में इनके इसके 93, 95, 97 ऐसे है, सोशल में इसके 97 है, तो इसने आगे जाके सोशल ही लिया है। तो इसमें इसका कितना बेनिफिट है, मैं ये बोल रही थी कि तू ये हिसाब लगा, तेरे मैथ्स और साइंस में कम है, अगर तूने धक्के में आके प्रेशर में आके मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लिया होता फिर तेरी कितनी वाट लगती है, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता, वो रोना वो आगे भी जाता 2 साल, तो वो शुक्र ना तूने। तो मैं पता क्या कर रही थी, मैं मतलब परसेंटेज निकाल के ना 700 से डिवाइड कर रही थी उसको, 423 को 700 से डिवाइड कर रही थी, 10,000 से कर देती कुछ पॉइंट कुछ आए। मतलब कि पूरे जिया 50-60 बच्चे ना, उन बीच 10वें नंबर पर आई मैं। अच्छा 10वें, हां 9वें पर आई।
50-60 हाड़ी क्लास ने करना, 50-60 और चार क्लास ने करना, टोटल 200-300 बच्चे 9 में नंबर आए हैं। आपको कैसा लगा होगा बट 90.4% मीन्स अ लॉट टू मी एंड या मैंने इस हिसाब से मेहनत भी की थी। लाइक अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि 85 लाइक अगर 90 आते तो 88-89 इतने तो आई जाते या 86 भी आ जाते तो कम आते तब भी क्या कर सकते थे। बट या आई एम सो हैप्पी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर भी जाओ मिस जैज़, उसे भी सब्सक्राइब कर देना और बाकी वीडियोज़ भी देखो। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि आपके कम नंबर आए तो आप रोए मत, मेरा तो रो के मैं तो रो के पागल हो गई थी 90% लेके भी। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मार्क्स डजंट मैटर, मतलब कि वो आगे जाके अभी तो सिर्फ 10th में हूँ, कितना कुछ करना आगे, चाहे 80% आते तब भी मुझे आगे जाना है, 90 आते तब भी आगे जाना ही है। तो वही बात है गाइज, आप आगे पे फोकस करें, आज पे जो हो गया उस पे ना फोकस करें। अब मैंने प्रण ले लिया है कि मैं प्लस टू में अच्छे नंबर लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।